এভরিওয়ান। তো ফ্রেন্ডস, আমি লাস্ট ভিডিওটা দেখে দিলাম কি কীভাবে আপনি রিজাল্টটা চেক করবেন যদি আপনি রিক্রুটমেন্ট ফর দ্য পোস্ট অফ স্টাফ অফিসার কম ইনস্ট্রাক্টর ইন সিভিল ডিফেন্স অর্গানাইজেশন। দুটা এক্সাম হয়েছিল, তো অনেকজন পাস করেছে। আর আপনার পিএটি যেটা আছে ওটা 22 নম্বর থেকে অলগ অলগ জোন থেকে ওটা হবে। তো যে লোক ভি কোয়ালিফাই কিয়ে ফ্রেন্ডস, উনকো অল দ্য বেস্ট ফর ইয়র পিএটি পিএমটি। খুব জম জমকর মেহনত করিয়ে ফ্রেন্ডস। আর যো হিসকে বাদ আপনার মেন এক্সামিনেশন হ্যাঁকে লিয়ে ভি কুছ জানকারি আপনি দিয়ে দূঙ্গা। লেকিন ইয়ে ভিডিও যো হিস বজে সে দেখিয়ে জিনকা নাম নাই আয়া, কিতনা নম্বর সে যো হা নাম নাই আয়া হোক, আপনি অ্যান্সার কি যো হ্যাঁ চেক কিয়া হোক, তো আপনি কিতনে মার্কস আ রে হ্যাঁ, কিতনে মার্কস মে লোক কোয়ালিফাই কিয়ে হ্যাঁ, ও ইউ আর ওবিসি ওবিসি এ ওবিসি বি ওয়ালে ইয়া ফির এসসি এসটি কে, মার্কস মে আপনি আবি দিখা দেতা হুম কি কিতনে মার্কস পে যো লোক কোয়ালিফাই করকে ফর পিএমটি এন্ড পিএইচটি টেস্ট কে লিয়ে जो है नेक्स्ट राउंड में गए हैं। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो पीईटी एंड पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कैंडिडेट। तो यूआर के लिए जो लोग यूआर कैटेगरी से पास किए हो उनका जो मार्क्स है वो 140.550 है, तो वो लोग क्वालिफाई किए हैं। एससी के लिए 120 मार्क्स और एसटी के लिए देखिए बहुत ही कम मार्क्स है, जो लोग एससी है सॉरी एसटी है उनके लिए बहुत ही कम मार्क्स में वो क्वालिफाई कर लिए हैं। 81.50 इनका जो है क्वालिफिकेशंस है शॉर्ट लिस्टेड है फॉर फिल्म्स के लिए। ओबीसी ए वाले जो है 121 उनका मार्क्स आ रहा है वो क्वालिफाई किए हैं, और ओबीसी बी जो है वो 139.5। यानी देखिए आप ओबीसी से जनरल का कोई खास डिफरेंस नहीं है, जहाँ पर बेनिफिट साबित हुआ है वो एसटी वालों के लिए ज़्यादातर बेनिफिट हुआ है। तो इस वजह से जो है लोग शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं और उनका जो है कहीं ना कहीं मार्क्स छूटा है। तो ये है पूरे आउट ऑफ 200 में आपको इतने मार्क्स लाने थे, हालांकि पेपर जो ईजी टू मॉडरेट था लेकिन मार्क्स भी आपको जो है ज़्यादा लाने थे। जैसे कि यहाँ पर ओवरऑल आपको मार्क्स में 200 से कितने क्वालिफाई शॉर्ट लिस्टेड है वो मार्क्स में आपको दिखा दिया हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, भालो कर तैयारी करें फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। यदि आपका ये एग्जामिनेशन नहीं हुआ उसके लिए कोई बात नहीं है, इससे इससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा यदि आप इसी को मार्क्स को लेकर अपने माइंड में करेंगे। तो आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप बढ़िया से मेहनत करिए, कहाँ पर आपका वीकनेस पॉइंट है उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस, आवर स्टडी विद चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।